हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थैंक यू सो मच, कल आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स से ही आज मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल को ज़रूर से आप प्रेस कर दिया करें। कल भी जो है मुझे लोगों के कमेंट्स मिले थे, मैम आपका नोटिफिकेशन नहीं मिला है। जब तक आप बेल को प्रेस नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो की तरफ। जो भृंगराज की मैंने मेहंदी रेडी किया वो इस तरीके की बैठी है, जैसे ही आपको कलर दिख रहा है 100% ऐसा ही कलर आपके हेयर में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जितनी आपको डाई बनानी हो उतना पानी आप ले लीजिए। तो मैं इस कढ़ाई में अपने हिसाब से पानी ले ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। जितने आपको डाई बनानी हो उस हिसाब से ले लीजिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक गिलास पानी ऐड कर दे रही हूँ और अभी गैस का फ्लेम बंद कर रखा है मैंने। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट में ही ये रेमेडी हम रेडी करेंगे। कल काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैम जो है हमारे फ्रेंड के हेयर पे नहीं चढ़ रहा है और वो लोग जो है मार्केट की डाई इस्तेमाल करते, तो आज मैं इस तरीके से बताऊँगी कि आपके एक बार में जो है कलर आ जाएगा। तो देखिएगा, एक गिलास के करीब यहाँ पे पानी ले लिया फर्स्ट इंग्रेडिएंट में, जो मैं यहाँ पे स्पून त्रिफला पाउडर इस तरीके से ले लिया और अभी गैस का फ्लेम जो है बंद है और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट और डालूंगी, वो है भृंगराज पाउडर। ये बालों को नेचुरल से हमारे बालों को ब्लैक करता है और भृंगराज में आपने देखा होगा हर एक तेल में जो आता है भृंगराज जरूर से पड़ा होता है। आप कभी उनके इंग्रेडिएंट जरूर से पढ़ के देखना, क्योंकि भृंगराज जो है वो एक इतना अच्छा हब है जो हमारे बालों को नेचुरल से ब्लैक करने का काम करता है। तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून भृंगराज पाउडर ऐड करूँगी और फिर मैं गैस का फ्लेम ऑन करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ और अब मैं जो है गैस का फ्लेम ऑन करती हूँ। तो गैस का फ्लेम जो है मैंने ऑन कर दिया इस तरीके से और इनको हम अच्छे से चला देंगे और अब हम इस पानी का हाफ रहने का वेट करेंगे। सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो चलिएगा, हाफ रहने के बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ और ये देखिएगा ये धीरे धीरे ब्लैक होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिएगा, इस तरीके से आप इसे चलाते जाए यही वाला है। फिर हम इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो देखिएगा ये जो है घटकर हाफ रह गया। अब मैं गैस का फ्लेम जो है बंद कर देती हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून जो है ब्लैक हिना डाल रही हूँ, यानी कि काली मेहंदी डाल रही हूँ। ये अल्फाज गुडनेस की है, नेचुरल होती है। इस तरीके से 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ और जितनी आपको रखनी हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, और अगर आपको ये पतला लगता है तो आप 1 चम्मच और डाल सकते हैं। थोड़ा मुझे पतला लग रहा है तो मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून कर दे रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऐड कर दी है। अगर आपको पतला लगता है तो आप 2 चम्मच के करीब कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब ब्लैक हिना अल्फाज गुडनेस की ऐड की है और बिल्कुल नेचुरल होती है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता मेंशन है। और आप चाहें तो पतंजलि की भी ले सकते हैं। कल जो है मुझे एक कमेंट मिला था, उन्होंने जो है पतंजलि की भी इस्तेमाल करती हैं और बहुत अच्छा बता रही थी वे। आप पतंजलि की भी ले सकते हैं। यहाँ पे पतंजलि भी जो है एक हर्बल ही है, नेचुरल है, तो आप यहाँ पतंजलि की भी ऐड कर सकते हैं। वो आपको लोकल मार्केट में ही मिल जाएगी इस तरीके से। और आप इसे 20 से 25 में इस कढ़ाई में ही ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसे लगा लीजिएगा। कम से कम करीब 1 से 1.5 घंटा आपको ज़रूर अपने हेयर में रखना है इसे, और फिर सिंपल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना। नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। पहले ऑयलिंग कर लीजिए 1 से 2 घंटा पहले, उसके बाद आपको शैम्पू कर लेना है। इस तरीके से आप करेंगे तो वीक में 2 बार ज़रूर कीजिए अच्छे रिजल्ट के लिए। और इस तरीके से आप करेंगे नेचुरल आपके हेयर जो है अच्छे हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कोई कमेंट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।